सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास में सॉलिड ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11। एक षटभुज घन क्षेत्र जो षटभुज आधार पर XY के साथ दाईं ओर 30 डिग्री का कोण बनाता है अपने क्षितिज धरातल पर खड़ा है का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ। भुजा 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या लेना है, XY लाइन लेंगे इस तरह से, ये हमारी XY रेखा है और हमने इसमें 30 डिग्री का कोण लेना है यहां से इस तरह से, इसमें 30 डिग्री का कोण ले लेते हैं यहां से इस तरह से हम रेखा ले लेंगे। इस रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे डॉटेड XY के साथ और ये हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर हम डॉटेड रखेंगे यहाँ पे इस तरह से। और ये जो हमारी भुजा है, ये कह रहा है ये भुजा है हमारी 2 सेंटीमीटर, हम यहाँ से 2 सेंटीमीटर काट लेते हैं, ये हमारा आ गया है 2 सेंटीमीटर। इस 2 सेंटीमीटर के ऊपर हमने बनाना है षटभुज। तो षटभुज मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था, आपका जो प्रश्न नंबर था प्रश्न नंबर 7 हमने किया था उसमें षटभुज हमने बनाया था, वो सीधा ही षटभुज था। ये हमारा यहाँ जो षटभुज आ रहा है ये हमारा है 30 डिग्री पे हमारा षटभुज है। तो हमने क्या करना है, ये जो आपकी आधार रेखा है ये आपका ए है, ये हमारा बी है, इस पर हमने षटभुज बनाना है। तो षटभुज बनाने के लिए 60 डिग्री का हमारा इसका बाह्य कोण होता है और आंतरिक कोण इसका होता है 120 डिग्री का। तो हम बाह्य कोण यहाँ से ले रहे हैं इस तरह से, ये रेखा आपकी आ रही है और यहाँ से भी हम 60 डिग्री की रेखा ले लेते हैं, 60 डिग्री का कोण बना करके ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हमने इसको काटना है 2-2 सेंटीमीटर, इसको 2-2 सेंटीमीटर काट लेते हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये हमारा 2-2 सेंटीमीटर आ चुका है। और हमने फिर यहाँ से 60 डिग्री के एंगल इस पे लेने हैं इस तरह से ये भी हमारा 60 डिग्री का है इस तरह से। और हमने इसको 2-2 सेंटीमीटर काटना है यहाँ देख सकते हैं, ये भी हमने 2 सेंटीमीटर लेना है यहाँ से इस तरह से। हम यहाँ भी इसको मिला लेते हैं और नाप भी लेते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल 2 सेंटीमीटर। यदि आपके कोण सही है ये तो आपका ये सारा बिल्कुल सही आएगा। ये हम यहाँ से फालतू लाइन है ये हम इनको मिटा देते हैं, ये आपका इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका है यहाँ पे सी, ये आपका है डी, यहाँ पे है ये है ई और ये हमारा आ गया एफ। अब हमने क्या करना है यहाँ से हमने यहाँ पे 90 डिग्री पे इसके प्रोजेक्शन लेने हैं यहाँ से, तो हम यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे 90 डिग्री पे। ये देखिए इसका सिर्फ एक ही प्रोजेक्शन आना है यहाँ से क्योंकि 90 डिग्री पे ही है रेखा, यहाँ से हम इसका डॉटेड प्रोजेक्शन ऐसे ले लेते हैं। और ये जो आपका आ रहा है डी और ए,
इसका भी एक ही प्रोजेक्शन आना है यहाँ से इस तरह से, और ये जो आपके कोण है ये भी आपका एक ही प्रोजेक्शन आ रहा है यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसकी हाइट जो हमारी है वो है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ फुट्टे से इसमें 4 सेंटीमीटर हाइट ले लेते हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी डार्क लाइन आएगी इस तरह से 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी हम इसको मिला लेते हैं, तो अंदर तो ये हमारी डॉटेड आनी है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये सीधी ही रेखाएं क्यों आई है, बिल्कुल तीन ही रेखाएं क्यों आई है, हमने तो अलग अलग बनाया था, और कैसे बनाया था इस तरह से, ये तो हमारा डार्क आएगा 4 सेंटीमीटर इस तरह से, हम इसको ऊपर भी मिला लेते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये जो ऊपर इसके पॉइंट आ रहे हैं ये हमारा है जी, ये हमारा है एच, और ये हमारा है आई, और ये यति के साथ है यहाँ पे, और नीचे ये हमारा है ई और एफ, ये हमारा ई और एफ है, ये हमारा ए और डी है, तो ए और डी है, ये हमारा है सी, और बी हमारा ये है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये 30 डिग्री का था, ठीक है, इसका बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, 30 और 60 कितना हुआ 90, इसलिए बिल्कुल 90 डिग्री पर सीधी रेखा आ गई है। यहाँ से हमने ये 30 डिग्री ले रखा था, फिर ये जो कोण हमने इधर को लिया है ये बाह्य कोण इसका है 60 डिग्री का, तो ये 60 और 30 कितना हो गया 90, इसलिए बिल्कुल सीधी रेखा हमारी आ चुकी है इस तरह से। ये आपका प्रश्न नंबर है 11, ये हमारा बन के तैयार हो।